अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जनाब आज मैं अपने दोस्त के साथ हूँ और आपका दोस्त है, तारू भी करवाते हैं बहुत अच्छे। शुएब मेरे दोस्त हैं और इनकी शादी होने जा रही है और इस शादी की खुशी में आज हम इनसे कुछ स्वीट शीट भी खाएंगे। और आज हमें लेना है शादी के लिए कुछ थैलियाँ जिनमें हम जब निकाह हो जाता है और कुछ बांटा जाता है। ये जनाब शुएब साहब हैं और शुएब साहब माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं। इन्होंने शादी कह रहे हैं कि जैसे ही शादी करीब आएगी तब ही कटवाऊंगा, बेगम ही कटवाएगी आके, और लगता है कि बेगम खुद ही काटेगी, इनके बाल सही इनको सेट करेगी। अच्छा जनाब, शादी के लिए हम जब निकाह हो जाता है तो थैलियां हमें बांटने के लिए छुहारे वगैरह चाहिए होते हैं और हमें वही लेना है। अब हम मार्केट में सर्च करने जा रहे हैं, साथ ही आपको जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाते जाएंगे बहावलपुर के रस्तों का। जनाब हम गुजर रहे हैं इस वक्त मिलाद चौक वाले रास्ते से, करबला रोड कहा जाता है इसको। आज थोड़े से रास्ते आपको दिखाते हैं बहावलपुर के। बहावलपुर बेसिकली खूबसूरत सा शहर है, छोटा शहर है, डिवीजन है। नवाब सर सादिक जो है यहाँ के सिटी के फाउंडर, हाँ, बनाने वाले हैं, जिन्होंने इस शहर को बनाया। और काफी खूबसूरत और पुरसकून इलाका है। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह भी नहीं है अर्ली, लेकिन बहरहाल इस वक्त 8:15 हो रहे हैं, 8:15 का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लोग अपने जो दफ्तरों वाले हैं दफ्तरों में जा चुके हैं, दुकानें अभी पूरी तरह से नहीं खुली होंगी, ये हम आप अभी आपको बता देंगे। जहां हम जा रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमें शादी के लिए थैलियां लेनी है। बिद कहा जाता है इसको पंजाबी में, और जैसे ही निकाह होता है तो निकाह की खुशी में काफी सारी शॉपिंग कर चुके हैं शुएब। चले आज ये एक्सपीरियंस भी सही। मैंने इनसे कहा कि कुछ हम अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे कि ये कहाँ से ली जाती हैं और किस हिसाब से मिलती हैं। इनकी शादी पे तकरीबन 500-600 बंदा जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो 500 थैलियां ये पहले ही ले चुके हैं। इनके वालिद साहब ने कहा कि 100 थैलियां मजीद ले ली जाए, तो इसी मकसद के लिए हम दोबारा निकले हैं। बावजूद इसके के पहले जो 400 थैलियां ली थी वो उसके हिसाब से हमें वही वाली सेम सेटिंग करनी चाहिए, लेकिन ये भूल आए हैं अपने घर में। बेसिकली बिलोंग करते हैं ये फोर्टाबास वाली साइड से, दारा वाला, बहुत रिच एरियाज हैं, फर्टाइल एरियाज हैं, जहां पर अल्लाह पाक ने ज़रात के हिसाब से, ज़रई हिसाब से बहुत अच्छा वसाइल दिए हैं लोगों के पास। किसान एरिया ज़्यादातर है, लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और ऐसे लोग जो आउट ऑफ कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो डेफिनेटली रिमिटेंसेज जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। उनके होने से पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है, हर साल लाखों करोड़ों जो है रियाल डॉलर जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो पाकिस्तान आते हैं। हम इस वक्त टक्कर खाते खाते रह गए हैं। एक मेहरान कार बड़ी देरी से हमारी तरफ आ रही थी जिसको हमने खूबसूरती से क्रॉस किया। जैसे समीउल्लाह हॉकी के प्लेयर जब गोल करते हुए जाते थे तो 3-4 प्लेयर्स को डॉट जरूर दे देते थे, और समीउल्लाह बहावलपुर से बिलोंग करते हैं। ये देखें जनाब, ये है मिलाद चौक, और मिलाद चौक के साथ वो आप देख रहे हैं गुलजार सादिक। ये देखिए बहुत बड़ी एक बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसको हम देखते हैं बहावलपुर ट्रेड सेंटर। बहुत बड़ा प्लाजा है ये, सारी शॉप्स हैं यहाँ पर,
किसान बैंक थे और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से बिल्डिंग्स हैं। एक साइड आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर मैं कैमरे को बहुत तेज़ी से करूंगा तो कैमरा भी ब्लर होता है, वीडियो इफेक्ट्स के अंदर भी फर्क आता है। एक साइड से गुजारा कीजिए, वैसे भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास फौरा चौक आ चुका है। हमारा प्रोग्राम ये है, यहाँ पर बाबा नसीर छोले वाले हैं, वहाँ पर हम नाश्ता भी करेंगे। नाश्ता क्या करेंगे, बस चावल के लिए प्लेट सोच रहे हैं कि इस टाइम बहुत हैवी नाश्ता नहीं करना चाहिए। चाय पियेंगे और साथ एंजॉय करेंगे। अभी शॉप बंद है भावनपुर में, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में शॉप सुबह देर से खुलती है और रात को देर से बंद होती है। ये रूटीन भी खराब है। कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि शॉप्स जल्दी खुलेंगी और शॉपकीपर्स को दुकानें जल्दी खोलनी चाहिए, जल्दी जल्दी से शॉपिंग हो, डे टाइम में एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात के टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा जो है लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिजली इस्तेमाल होती है। ये देख रहे हैं आप, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और ये जाके जनाब 11 बजे 12 बजे जाके ये प्लाजे खुलते हैं जब आधा दिन गुजर चुका होता है। कहा यह जाता है कि सुबह के टाइम रिस्क बढ़ जाता है। ये माशाल्लाह ये बाबा शॉप खोलती है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द शॉप जो है वो क्लोज है, बंद है। हम कायद आजम मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, सर्कुलर रोड से गुजर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है जो कि सर्कुलर रोड पर बनी हुई है, बहुत पुरानी है। डिजाइन थोड़ा सा इस्लामाबाद स्पेशल मॉस की तर्ज पर बना हुआ है, वो देखें आप। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में हर साल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, मेल्स फीमेल्स डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं। ये इदारा बहुत कामयाब है। तंदूरी मैं आपको दिखाना रह गया हूँ, ये तंदूरी रेस्टोरेंट यहाँ से। और ये दारुल कबाब है, जैसे कहते हैं ये मैं हूँ, ये दारुल कबाब है, ये मेरा दोस्त है और ये मैं फिर हूँ। हम जनाब अली, ये न्यू बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, ये अभी स्टिल बीडीए चल रहा है जिसको कहते हैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर्स की लाइन स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर है बीडीएस के सामने, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने। बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है ये मलका विक्टोरिया ने इसका इफ्तिताह किया था, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। नवाब सादिक को जो है इसमें, ये देखें ये अभी स्टिल चल रहा है, ये बहुत बड़ा इदारा है। ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ना सिर्फ टीचिंग इंस्टीट्यूट है बल्कि बहुत बड़े बेड्स, बहुत बड़ी कैपेसिटी जो है यहाँ पर बेड्स की अवेलेबल है। और ये बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा, पीछे तक जो है इसकी बिल्डिंग जा रही हैं। हम साथ साथ दिखा रहे हैं, हम लाइब्रेरी चौक पर पहुँच गए हैं। ये लाइब्रेरी चौक है और यहाँ से हम बाबा नसीर छोले वाले के बहुत पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अभी इस वक्त शॉप्स ओपन नहीं है तो वहां जाना बेकार होगा। ये फ्यूचर की डॉक्टर हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी स्टार्ट हो चुकी है बहावलपुर की। देखें बहुत खूबसूरत वाइट कलर का पेंट किया हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर और ये बहुत ज्यादा कदीम है माशाल्लाह। ये इसके ऊपर आर्ट चेक कीजिए, तभी आपको फ्री टाइम में इसके अंदर लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत है। देखिए ये सारा ये इसका, और ये देखिए ये गाड़ियां हैं, ये बहुत खूबसूरत ये एंटीक किस्म की गाड़ी है जो इस वक्त नवाब सादिक के इस्तेमाल में थी। और बहुत सारी, यहां से ये म्यूजियम स्टार्ट हो गया है, म्यूजियम की बिल्डिंग भी बनना शुरू हो गई है। पहले ये देखें आप, ये ऊपर जो है मीनार तामीर किया जा रहा है इसका।
ये बहावलपुर म्यूजियम है। इसमें अच्छा ये असल में म्यूजियम की बिल्डिंग पहले छोटी थी, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो पहले वाली है वो इसको मजीद बड़ा किया जा रहा है, इसमें तौसी की जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। खुशाइन बात है कि बहावलपुर म्यूजियम में इजाफा किया जा रहा है। ये देखें ये आप मेरे साथ साथ इस वक्त स्टिल BVH बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल चल रहा है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जनाब, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें तकरीबन हर डिपार्टमेंट मौजूद है। डायलिसिस भी हो रहे हैं यहाँ पर और सब कुछ हो रहा है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो जानते हैं कि हम यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये कैंट चौक है आई थिंक, और यहाँ पर खजाने का दफ्तर भी साथ है, कैंट हाई स्कूल है बच्चों का। ये जनाब हम ये कैंटीन में आ चुके हैं और ये मस्जिद, एक कदीम सी मस्जिद हमारे साथ है जिसके फ्रंट पर कुछ तामीरात होनी है अभी। ये एक टैंकी है बहुत बड़ी है और ये देखें अच्छा ये जनाब अली खजाने का दफ्तर है ना, ये तहसील ऑफिस है, तहसील ऑफिस, वो तहसील ऑफिस जहाँ पर जमीनों के लेन देन हो रहे हैं। ये बाबा नसीब छोले वाला है और ये हम हैं और हम फिर पहुँच गए हैं बहावलपुर के मशहूर बाबा नसीब छोले वाले हैं, ये देख रहे हैं आप। अच्छा इनके पास पहले शॉप होती थी लेकिन उस शॉप को मेरा ख्याल है कि जो इलाका है वो कब्जे वाली जगह थी जिसकी वजह से वापस करवा के अब इनको ये जगह दी गई है और यहाँ पर भी माशाल्लाह इनका काम काफी अच्छा चल रहा है। हाँ जी ऑर्डर लेने के लिए आ गए हमारे पास, देखते हैं इनके पास क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी भाई क्या क्या चीजें आपके पास? सर पाए, निहारी, मगज, भोपते, चने, चावल चने। ठीक है, ये सुबह का नाश्ता आपके पास है? जी सर। हाँ अब शुएब से पूछते हैं, शुएब क्या खाना है? हम तो यहाँ से चावल चने शौक से खाने आते हैं और बड़े मजेदार होते हैं इनके चावल चने। चावल चने का प्रोग्राम बन रहा है जनाब, ठीक है। दो प्लेटें VIP किस्म की तरह। ठीक है शुक्रिया। इंतजार हमारा मेरा ख्याल है कि खत्म होने वाला है। हाँ अच्छा आ गए हैं, वेरी गुड। आज हैं जबरदस्त, क्या बात है यार, बड़ा खूबसूरत सा मंदिर पेश कर रही है, दिखा के देखते हैं। वैसे इनकी तारीफ बहुत सुनी हुई है, आज ट्राई भी करते हैं। चलें शुएब साहब खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। शुक्रिया भाई। हाँ जी चाय भी अब आ चुकी है, मैं तो खैर चाय पी चुका हूँ। शुएब की असल में कॉल आ गई थी और वो कॉल ही बहुत लंबी चली गई। शुएब साहब चाय पी रहे हैं, बाल चेक करें शुएब के यार, अंदाजा करें 15-20 दिन के बाद इनकी शादी है और शादी पे भी आपको एंजॉय करवाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे शादी से। लेकिन फिलहाल तो हम नाश्ता कर चुके हैं और अब हमें वही मकसद के लिए जाना है, हमें शादी के लिए जो थैलियां बिद लेनी है वो परचेज करेंगे। 100 थैलियाँ कम पड़ रही हैं, तो उसको परचेज करेंगे और फिर उसके बाद मजीद कुछ सोचेंगे। हाँ जी जनाब, नाश्ते से एंजॉयमेंट के बाद अब हम फिर वापसी की तरफ, अब रौनकें बढ़ना शुरू हो गई हैं, टाइम भी तो ज्यादा हो गया ना यार, अब भी नहीं उठोगे तो कब उठोगे। कहते हैं कि अच्छी कौमें जो है हमेशा तरक्की उसी वक्त करती हैं जब वो वक्त पर अपने काम करती हैं। अगर आप सोते रहेंगे तो आप खोते रहेंगे। हाँ इधर से चल लो या इधर से चलिए, इधर से हम थोड़ा सा इस साइड का भी व्यू दिखाते हैं। आज हम वहां से तो आ चुके हैं। ये जनाब फिर दोबारा वही कैंट रोड है जो कि आगे चलकर काली पुली आएगी और साथ ही 112 का दफ्तर, इस्लामी कॉलोनी, फौजी बस्ती, दिलावर कॉलोनी इसी रास्ते से आती हैं आगे की साइड पे, और फिर ये आसमान रोड
जो यजमान की तरफ जाता है, एयरपोर्ट भी इसी रोड पर मौजूद है, मिलेगा, लेकिन हमें राइट पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड पर, शुएब यहाँ से लेफ्ट लेंगे। अब जो आगे चौक आएगा, मिनी चौक है, आगे जो बड़ा चौक है वो काली पुली का है। देखें बहुत खूबसूरत रोड है यहाँ पर, और ये जनाब जा रही है आगे डीसी ऑफिस चौक। डीसी ऑफिस आएगा ना आगे, आगे अगला चौक कोर्ट भी आ रही है। हाँ, अब ये कोर्ट भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर। पीटीडीसी मोटेल है यहाँ पर, जहाँ पर टूरिज्म काफी अच्छी, टूरिस्ट जो आए हैं वो यहाँ पर आके स्टे करते हैं। ये बहावल क्लब देख रहे हैं आप, ये बड़ी प्यारी जगह है। और ये देखें, ये एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू फेस्टिवल एंड सेशन, ये जो मैं आपको बता रहा था लतस्का के साथ पीटीडीसी मोटेल है। अच्छा, ये अब लतस्का बैंक्वेट हॉल लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर पीटीडीसी मोटेल लिखा होता था। आई थिंक ये कन्वर्ट हो गया है लतस्का बैंक्वेट हॉल में। यहाँ पे रूम्स भी काफी खूबसूरत हैं, लग्जरी रूम्स अवेलेबल हैं, टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं। ये देखें, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी आ गया है, और साथ ही हम इसके पहुंच रहे हैं डीसी ऑफिस चौक पर। अब हमें जाना है लेफ्ट साइड पर, एक बार फिर लेफ्ट साइड से हम लेंगे तो आगे मशहूर और मारूफ, ये देख लें पहले, ये ब्रांड्स हैं कुछ, बोनेंजा है, एथनिक है, आउटफिटर्स है, अलकरम स्टूडियो, सना सफीनाज, जीन, वर्दा, लाइम लाइट और साल्ट एंड पेपर, काफी मशहूर होटल है ये साल्ट एंड पेपर का। साथ ही ये देखें और ब्रांड्स आ चुके हैं, आईडियाज है, और ये सुखना है, इसके अलावा लॉरेंस पूर है, द बैंक ऑफ पंजाब, लास्ट में बैंक आ गया है, बैंक से पैसे निकलवाएं और साथ ही इन ब्रांड्स को देते जाएं। ये सहूलत मौजूद है जनाब, एटीएम भी यहाँ पर होता है, और सारे ब्रांड्स जो हैं वो आपको खाली कर लेते हैं माशाल्लाह से। लेकिन बहरहाल ब्रांड्स कॉन्शियस लोग होते हैं। ये जनाब हमें सीधा जाना है, ये डिप्टी कमिश्नर हाउस आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर हाउस देखें कितना बड़े रकबे पर, क्या जी, ई खिदमत मरकज। अच्छा, नादरा ऑफिस खिदमत मरकज जो कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था, जो इतने मुझे बताया मौजूद है। जगह जगह ये देखें ये लोग बैठे हुए हैं मास्क लगाकर, ये फ्री गेट के करीब पहुंच रहे हैं हम। बहावलपुर में फ्री गेट काफी मशहूर जगह है, शहर का सेंटर है, साथ ही ये जेल मौजूद है, वो देखें आप। ये जेल की बैक साइड की दीवार है जो काफी बड़े एरिया पर फैली हुई है, और वो काफी खूबसूरत एक मस्जिद नजर आ रही है आपको। ये देखें, ये जेल काफी बड़ी और ऊंची दीवार शामिल की गई है। साथ ही ये देख लें, ये स्कूल, सॉरी मैं बहुत खूबसूरत स्कूल दिखाना भूल गया, पीछे ऐसी हाई स्कूल, इसकी बिल्डिंग बहुत प्यारी बनी हुई है। और ये टेक्निकल हाई स्कूल आप देख रहे हैं, टेक्निकल हाई स्कूल बहुत अच्छी जगह है, आटा का सेल पॉइंट लगा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं फ्रीज गेट है, फ्रीज गेट देखें, चलो अंदर अंदर सीधा चले। अच्छा, देख लें अभी अभी तक शॉप्स जो हैं वो क्लोज हैं, 10 बजने वाले हैं। ये हम अंदर फ्रीज गेट से अंदर की तरफ एंटर हो चुके हैं। आज आपको इनसाइड सिटी का भी माहौल दिखाते हैं। नाश्ता चल रहा है, गर्मा गर्म पराठे, पूरियां और बहुत कुछ। गर्मा गर्म माहौल होता है हमेशा किसी भी शहर के अंदर। इनसाइड सिटी का जो माहौल होता है वो काफी गुंजान आबाद होता है, वहां पर आबादी बहुत ज्यादा होती है। और सेम भावलपुर में भी सेम हालात है यहाँ पर। इस वक्त क्योंकि शॉप सभी क्लोज है तो रश नहीं है ज्यादा, वरना यहाँ पर माहौल ऐसा होता है कि निकलने की जगह नहीं होती है।
से देख रहे हैं आप, शॉप्स क्लोज चल रही हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स अभी भी बंद हैं। ये कलमिया है जनाब, ये एक रॉन्ग पॉइंट है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अगर ये बाजार ओपन होता एक बार फिर मैं आपको लेकर आऊंगा दोबारा यहाँ पर, आपको कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बहावलपुर की शॉप्स के हवाले से बताऊंगा, कुछ यहाँ की मखसूस चीजें हैं जो पूरे पाकिस्तान से दस्तियाब नहीं है, बहावलपुर में मिलती हैं, वो चीजें आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बहावलपुर की सकाफत, बहावलपुर के रंग। सरायकी फैमिलीज यहाँ बहुत ज्यादा हैं, बेसिकली सरायकी एरिया है जनूबी पंजाब का। लेकिन 10 बजे भी शॉप्स ओपन नहीं है। हम तकरीबन 8:15 बजे घर से निकले थे, नाश्ता किया, बातें करते कराते और 10 बजे तक का इंतजार किया और अब हम जा रहे हैं। बीत वाली थैलियों का इंतजाम करने के लिए, जो कि 100 थैलियां हमारे पास कम हो रही हैं, देखते हैं। टफ टाइल लगी हुई है यहाँ पर, रोड काफी साफ है, रश बहुत होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त लोग अभी सो के नहीं उठे हैं, घरों में सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, 10 बजे भी आराम फरमाया जा रहा है। एक मिनट यहाँ से इनसे पता करते हैं अभी शादी वाली थैलियों का, जो सामने ले जाए। सामने की बिद वाली थैलियाँ मिलेंगी आपके पास? हेलो भाई, बिद वाली थैलियाँ मिलेंगी? बिद वाली थैलियाँ सामने वाली शॉप पर कह रहे हैं। बहावलपुर में भी सेम हालात है यहाँ पर। हाँ जी जनाब, हम इस वक्त शॉप के अंदर एंटर हो गए हैं। शॉप वाले भाई कुछ निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखें, ये वो गिलास है जिसे दूल्हा को लूटा जाता है। जी भाई, कितने की है? 400 की। 400 की तो यार बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। अभी पहले भी लिए 400 थैलियां ली हैं, पहले 4 पैकेट लिए हैं। मुनासिब करो, कितने में ले लो आप? मुनासिब करो यार, सुबह सुबह 300 रुपए दे देना आप। 300 लो बस आप, 300 मुनासिब भी मांग रहे। नहीं नहीं, 300 रुपए ले लो बस, बहुत है। और इसके अलावा दे दो 300 रुपए दे दो यार। पहले हम कुछ सामान ले गए थे, हम इस वक्त जनाब खोखा मार्केट से गुजर रहे हैं। खोखा मार्केट में ज्यादातर कसाई बैठे हुए हैं, लेकिन कसाई भी गोश्त जो है इसका चिकन का ज्यादा अवेलेबल है, चिकन और फिश यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, हम ज्यादा आगे आ गए यार, सारी शॉप्स गुजर गई है। शुएब थोड़ा सा बैक साइड पे लें वापस। यहाँ पर तकरीबन होल सेलर्स मौजूद हैं और हर चीज मुनासिब रेट्स पे मिलती है। यहाँ से ले, यहाँ यहीं पर रोकना। हाँ जी अकमल भाई, टाइम है? है? निकल आएगा टाइम? अभी तो लग जाएगा टाइम, मेरा ख्याल है 5 मिनट लग जाएगा। मैंने सोचा कि चलो इस मार्केट में आए हुए हैं, चिकन भी साथ ही लेते गए। चिकन का रेट भी काफी तेज हो गया है, 340 रुपए के हिसाब से किलो मिल रहा है, माशाल्लाह जी।
ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी चिकन भी ले लिया जी और अब दोबारा मार्केट में। इमरान खान ने अपने शेड बना दिया ना। हाँ जी बताएं जी आपने कुछ कहा भाई। मैंने कहा इमरान खान ने अपने शेड बना लिए इसलिए मुर्गी महंगी हो गई। इमरान खान ने अपने शेड बना लिए हैं। अच्छा ये शेड कहाँ पे बने हुए? बनीकाला। वाह हर बात का बड़ा प्यारा जवाब मौजूद है। अच्छा तो ये बनीकाला में शेड जो बने हुए हैं तो वो आपने देखे हुए? मैंने तो नहीं देखे। सुनी सुनाई है क्या क्या कहना? मुर्गी महंगी क्यों होती जा रही है भाई? हर चीज जो महंगी है मुर्गी तो महंगी होनी है। अच्छा मुर्गी इसलिए महंगी है कि हर चीज महंगी है? और क्या, हम तो नुकसान कर रहे हैं मुर्गी में से। हमें हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा ना। हमसे तो पूछे हम क्या कर रहे हैं, हमारे खाते आगे बेचे। सामान तो बहुत सारा बेच रहे हैं आप। सामान तो आप यही देख रहे हैं, बहुत सारा सामान बेच रहे हैं। 235 जिंदा है, 240 का रेट निकाला है उन्होंने। 240 का, 340 का, 240 जिंदा है ना। ठीक है आप खुश हैं यानी कि मुर्गी का रेट बढ़ने पर? हम तो काम से था, हम तो काम कर रहे हैं। अच्छा ये भाई कुछ खुश नजर आ रहे हैं रेट बढ़ने पर। ये भाई गमजदा है लेकिन इनकी मुस्कुराहट नहीं जा रही। इनकी मूंछों का स्टाइल भी बड़ा प्यारा है और माशाल्लाह सेहत से भी लग रहा है कि सारा दिन ये खुरी। रोड माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, झूले आ रहे हैं। मछली वाले सारे गुजर रहे हैं। मछली का सीजन वैसे अब ऑफ होने की तरफ जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मछली खाने वाले लोग कम हो जाएंगे। सर्दियों में मछली बहुत फायदेमंद है। वैसे तो कहते हैं कि ओवरऑल मछली जो है वो खानी चाहिए। मछली के अंदर इस तरह का विटामिन डी अवेलेबल है हमारी हड्डियों के लिए जो बहुत अच्छा है। हमारे अंदर कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हड्डियों का भुरभुरापन हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी आ रही है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, रिमेटाइड आर्थराइटिस हैं, जोड़ों का दर्द है। जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो हमें अपनी खुराक को बहुत अच्छा और मुनासिब रखना चाहिए जिसमें हर चीज़ की जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारी खुराक के अंदर। तो ये जनाब हम पहुंच रहे हैं अब सिटी चौक पर। ये सिटी चौक जो है अड्डे से हम दरमियान में से निकल कर आए हैं। किसी दिन आपको पूरा विजिट करवाऊंगा बहावलपुर का। इस वक्त तो हमने शॉर्ट लिया, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए हम सिटी चौक पर पहुंच गए हैं। और यहां पर भी आप देख रहे हैं यहां पहले सिटी चौक सिटी होटल होता था जिसकी वजह से ये चौक मशहूर हुआ सिटी होटल चौक के नाम से। तो यहाँ पे फिर दोबारा यानी कि पहले हम बीबीएच वाली साइड पे गए थे तो वहां पर काफी ज्यादा मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल थे और यहाँ पर फिर मेडिकल स्टोर्स की लाइन है। ये वाला रोड भी ज्यादातर जो है वो डॉक्टर्स हजरात के लिए काफी मुफीद है, काफी फायदेमंद है। ये देख रहे हैं यार अली अस्पताल है, साथ ही ये तल्ला जलाल का हॉस्पिटल है, बावलपुर रेस्टोरेंट, ये पीपल वाला चौक आ चुका है, ये मस्जिद अहले हदीस है, ये देखें जनाब अस्सलाम।